सोनी सब टीवी लेकर आ रहा है अपना एक नया शो जिसका नाम है मैडम सर। आज उसकी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत 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 शुक्रिया। आपसे आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरह का आप लोगों का ड्रेसअप है तो वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि आप लोग एक पुलिस वाले की भूमिका इसमें प्ले कर रही हैं। सबसे पहले आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे। मैं हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हूँ और जो सब लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं प्यारी पुष्पा, और काउंसलिंग हेड भी है क्योंकि उसका हर केस सॉल्व करने का तरीका बहुत अलग है, बहुत प्यारा है, इसलिए उसको प्यारी पुष्पा बोलते हैं। लखनऊ में पहुंची हैं, क्या कहेंगे लखनऊ के बारे में? लखनऊ के बारे में क्या कहें, बहुत सालों पहले आई थी तो आज पुरानी यादें ताज़ा हो गई। अच्छा लगा यहाँ की जो जहाँ पे शूटिंग्स की हमने, जैसे चारबाग रेलवे स्टेशन हो या अम्बेडकर पार्क, कितना बड़ा है मैंने जिंदगी में अपनी इतना बड़ा पार्क नहीं देखा था, इतने सारे हाथी नहीं रहे और इमाम बड़ा, तो बस इस बार अंदर जाके भूलभुलैया देखना रह गया, बट ठीक है टाइम नहीं मिला, फिर कभी आएंगे। रियल लाइफ में आप पुलिस से कितना इंस्पायर हैं? बहुत इंस्पायर हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुंबई पुलिस का, क्योंकि मुझे लगता है हम तो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, उनको तो रियल जिंदगी में सबको प्रोटेक्ट करना होता है और जिनको मिटाना भी होता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन पर और हम पर भी, ताकि हम ऐसा कुछ ना कहें ना कुछ करें जिनके जिनसे जिनकी जिसकी वजह से उनकी नाक कट जाए या उनका सर झुक जाए, ये हम पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है वो उनकी जिम्मेदारी बहुत अलग है, हटके हैं, हम कंपेयर भी नहीं कर सकते उनके साथ। हमारे साथ इस शो में पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका निभा रही हैं हसीना मलिक जी भी मौजूद हैं। किस तरह से देखती हैं शो को और अपनी भूमिका के बारे में कुछ बताएं। मेरे कैरेक्टर का नाम है हसीना मलिक, मैं इन सब की बॉस हूँ, लेकिन मेरा जो तरीका है सब कुछ हैंडल करने का वो बहुत अलग है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हम चारों, सबका अलग अलग फ्लेवर है, सबके अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ट्रेट्स हैं, एंड द शो इज़ ऑल अबाउट कि पांचों उंगलियां एक नहीं होती, किस तरह से सब मिलकर जो है एक अलग तरीके से, अलग ढंग से, एक क्रिएटिव सोल्यूशन के साथ एक केस को सॉल्व करते हैं। हर बार लाठी घूसा मार से नहीं होता, कभी कभी प्यार से बात कर भी चीज़ों को हल किया जा सकता है। जहाँ एक तरफ सुपर नेचुरल शोज आ रहे हैं, मैथोलॉजिकल शोज आ रहे हैं, वहाँ पे लगता है आपको कि ये शो जो है कहीं ना कहीं से दर्शकों के अंदर एक अपनी जगह बना पाएगा और लोग इसको देखेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब ने बहुत मेहनत की है, हम सब के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था ये, अभी भी हम समझ ही रहे हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है और इसको कैसा बनाना है। जहाँ तक सुपर नेचुरल और माइथो शोज हैं, उनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी ऑडियंस है, उनका भी दौर था, है, चल रहा है, बट हमारा जो शो है ये आई थिंक एक अलग और नया जॉनर लेकर आएगा, क्योंकि इस तरह की कॉमेडी भी नहीं हुई है और इस तरह का सोशल मैसेज वाली कॉमेडी तो बिल्कुल नहीं हुई है। बताइए कि FIR से कितना अलग होगा, क्योंकि जिस तरह से कह सकते हैं कि कई जगह पे हुआ होगा कि FIR में किसको देखने से लुक आ रहा है, क्या लगता है कि कितना अलग होगा, किस तरह की स्टोरीज होंगी और मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा? देखिए FIR बहुत अलग शो था। FIR जैसा कि उन्होंने पहले कहा है कि वो शोले है, वो कल्ट शो है, वो बन चुका है, वो लोगों के दिलों में बस चुका है और उसकी वही जगह है। हम उसकी छवि को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहते, बदलना नहीं चाहते, हम कहीं से कहीं तक FIR नहीं बना रहे हैं। वो अलग शो था, वो अलग कॉन्सेप्ट था, वो एकदम आउट एंड आउट प्रॉपर कॉमेडी था, ये उतना ज़्यादा हार्डकोर कॉमेडी ना होते हुए इट्स लाइट कॉमेडी प्लस अ सोशल मैसेज, तो बिल्कुल भी सेम नहीं है, ना परफॉर्मेंस में, ना राइटिंग में, ना स्टोरीज में, ना किरदार में, कुछ भी सेम नहीं है, ये अलग ही शो है। तो वी रियली होपिंग अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं मैडम सर की, ताकि हम उनके साथ कॉम्पीट हो सकें। R9 TV के माध्यम से दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे अपने शो के लिए? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि जब आप पूरे दिन काम करके, दुनिया ज़िंदगी की जद्दोजहद से जूझ के, सब ख़त्म करके, ट्रैफिक में फंस के, सब थक के जब आप घर आएँ और सोने से पहले कुछ अच्छा हल्का फुल्का देखना चाहें जो देख के आपको खुशी भी हो और लगे भी कि हाँ भाई क्या क्या है, तो प्लीज़ देखें मैडम सर 24 फरवरी से रात को 10 बजे सोनी सब पर। शुक्रिया बहुत बहुत हसीना मलिक जी और पुष्पा सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ इसकी लीड एक्ट्रेस मौजूद थी जो साफ तौर से मैडम सर में अपनी एक भूमिका को निभा रही हूँ। साफ तौर पे इन लोगों का कहना यह है कि काफ़ी अच्छा शो है, जब लोगों को थकान हो तो वो हमारे शो को देखें, उनकी थकान जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। हमारे साथ दो आर्टिस्ट और मौजूद हैं जो इसमें करिश्मा सिंह और संतोष शर्मा की भूमिका निभा रही हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का लखनऊ में स्वागत है। थैंक यू। मैं बताना चाहूँगी हम लखनऊ 3 दिन पहले आए थे, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे 3 दिन शो किया है,
और हमें बहुत मजा आ गया यहाँ का। आप लोगों से जानना चाहेंगे किस तरह का रोल आप लोग इसमें प्ले कर रही हैं? मैं इसमें संतोष शर्मा का किरदार निभा रही हूँ और संतोष शर्मा जो है वो न्यूली ज्वाइन करती है ये पुलिस स्टेशन और उसका कोई फिल्टर नहीं है। अगर कोई टॉपिक पे कोई बात हो रही होगी वो बिना सोचे समझे वो बोल देगी और उसके बाद जब सब लुक देंगे उसे कि ये इसने क्या कह दिया तब मुझे रियलाइज होता है कि नहीं नहीं ये मैंने गलत बोले ऐसा नहीं बोला जाता। मैं हूँ कड़क करिश्मा, मैं कड़क करिश्मा हूँ, मतलब उसका ये कहना है कि क्रिमिनल्स मतलब लास्ट लात घूसा और मुक्के, उनको जब तक एक दो लगा नहीं दो ना लाफे तब तक वो ठीक नहीं होते, ऐसा इसका तरीका है। तो ये चारों अपने अपने यूनिक वेज लेकर आ रही हैं, एक मतलब एक बहुत ही मतलब प्यारी सी जो होती ना बोली है जो कुछ भी बोल देती है, एक कड़क है, एक है जिसको समझ है और एक है जो जिनका बहुत एक्सपीरियंस है, एक सीनियर है वो, तो ये चारों का मिक्सचर होके एक सॉल्व कैसे होते हैं केसेस। किस तरह से कहा जा सकता है कि जो एक पुलिस की भूमिका होती है काफी कड़क होती है, पर इस शो को देखने के बाद क्या वो भूमिका सॉफ्ट में तब्दील हो जाएगी, कुछ ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इसमें दिखाएंगे उनके पर्सनल लाइफ भी कि जब पुलिस आती है तब तो वो पुलिस वो कड़क होना ही पड़ता है, पर पर्सनल लाइफ में सब कैसे हैं एक दूसरे से वो एक चीज देखने को मिलेगी। सास बहू के शो में और बाकी शोज भी आते रहते हैं, आप लोग खुद भी देखती होंगी, लगता है कि शो कहीं ना कहीं पे कमाल कर पाएगा और लोग हैं वो इसको देखेंगे? आई थिंक बिल्कुल, क्योंकि ये महिला पुलिस थाना है, ये पुलिस थाना जो है ये विमेन रन करती है, तो आई थिंक ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। सास बहू साहब आप सुनेंगे महिला पुलिस थाना तो आप जानना चाहेंगे कि होता क्या है अंदर, क्या होता है, कैसे केस सॉल्व करती है, क्या क्या मुद्दे आते हैं महिला पुलिस थाना में, तो ये सब देखने के लिए आई थिंक ऑडियंस को थोड़ा सा रहेगा कि लेट्स वॉच इट, क्या है महिला भी कमाल कर। जब आप लोगों को ये रोल ऑफर हुआ था कैसा एक्साइटमेंट था, लगा था कि आप लोग इसको सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि लड़कियां जो है कहीं ना कहीं से एक सॉफ्ट जो कह सकते हैं रोल ढूंढती हैं, पर आप लोगों को जब ये रोल मिला तो कैसा फील हुआ? जब मैंने सुना कि एक कॉप का है तब मैं मुझे लगा कि वाह अब मुझे डराने का मौका मिलेगा किसी को, यू नो आपके अंदर एक होता है कि क्योंकि वर्दी में आप, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि एक एक्टर के लिए कुछ अलग करना इज एक्साइटमेंट, कुछ लर्निंग प्रोसेस जो चलती रहती है, तो मैं तो बहुत खुश थी, मैं डरी बिल्कुल नहीं क्योंकि मुझे डराना है। लखनऊ पहुंची है, लखनऊ के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, पता नहीं क्या आप एक्स्ट्रा डालते हैं, इतना प्यार से, इतना दूध ही अलग प्यार है बहुत। हाँ लखनऊ की जितनी भी जगह हम घूमे हैं एक तो इतनी क्लीन सिटी है और लोग यहाँ के इतने अच्छे हैं, मतलब हेल्प है। हाँ और हर हमने मेन हमने कौन क्या क्या देखा, हमने इमामबाड़ा देखा है और रूमी गेट पे, चारबाग स्टेशन पे जो मेन हाइलाइट्स है हमने वहाँ पे शूटिंग की। आप लोगों के शो के लिए आना टीवी की तरफ से बहुत बहुत बधाई और उम्मीद है कि आप लोगों का शो दर्शकों के दिल में अपनी एक जगह बना रहा है। शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी मैडम सर की स्टार कास्ट, साफ तौर पे उनका कहना यह है कि एक ऐसा शो है जो कहीं ना कहीं से लोगों को एंटरटेन करेगा, वहीं जो एक पुलिस की हार्ड छवि होती है उसको सॉफ्ट छवि के रूप में भी तब्दील करेगा। संदीप खेर कैमरा पर्सन अमीश के साथ, आर9 टीवी लखनऊ।